हेलो एवरीवन, आज हम वायरोलॉजी का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वायरल काउंटर अटैक मैकेनिज्म। ये क्या होता है वायरल काउंटर अटैक और किस किस तरीके की मैकेनिज्म वायरस यूज़ करते हैं अपने जो भी उनके होस्ट सेल हैं उसमें बने रहने के लिए या इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं उनसे बचने के लिए किस तरीके से जो वायरस हैं वो इवॉल्व हुए हैं, इसी की हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है वायरस काउंटर अटैक मैकेनिज्म। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइक्रोब एंड ह्यूमन इवोल्यूशन द पैथोजन एक्वायर्ड सम फीचर दैट हेल्प्स देम फ्रॉम एस्केपिंग होस्ट डिफेंस, दिस इज कॉल्ड वायरल काउंटर अटैक मैकेनिज्म। अब देखिए, इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चल रही है, जो माइक्रोब्स हैं उनमें भी इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन में भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो ह्यूमन में इवोल्यूशन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन और अच्छी तरीके से अडेप्ट हो रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहने के लिए। उसी तरीके से माइक्रोब में भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, और माइक्रोब को कहाँ रहना है, ह्यूमन के अंदर। अगर मान लीजिए ह्यूमन के अंदर अगर रहना है तो उसको भी तो अपने में चेंज करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, जिससे वो ह्यूमन के अंदर रह भी ले और ह्यूमन से उसको कोई नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक है, और ह्यूमन में जो भी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी है उससे वो लड़ सके। ठीक है, लड़ सकेगा तभी तो उसके अंदर रह पाएगा, उन्हें मार ना दिया जाएगा ये। ठीक है, तो माइक्रोब को भी ह्यूमन में रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करनी पड़ती है जिससे वो ह्यूमन में डेवलप होने वाले इम्यून सिस्टम को चकमा दे करके वहाँ पे आराम से रह सके, खाना पीना उनको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो माइक्रोब में वायरस भी आते हैं। तो वही लिखा है कि जो माइक्रोब और ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें पैथोजन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ नए फीचर एक्वायर हुए हैं जो उनको मदद करते हैं होस्ट के डिफेंस से बचने में, और इसी को कहते हैं वायरल काउंटर अटैक मैकेनिज्म। सम ऑफ दीज मैकेनिज्म कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब उन मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि जब वायरस का अटैक होता है, किसी भी माइक्रोब्स का अटैक होता है, तो बॉडी में होता क्या है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि आफ्टर वायरल इन्फेक्शन पैथोलॉजिक कंडीशन डेवलप्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण इम्यून जो रिस्पॉन्स है होस्ट का, या हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप होने लगता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट में, या जो भी वायरस है उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम के डेवलप होने की वजह से भी कुछ पैथोलॉजिक कंडीशन डेवलप होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं। दूसरे सिम्टम्स किस वजह से डेवलप होती हैं, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। अब डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं, मान लीजिए इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे में कोई सिम्टम नहीं आया, लेकिन वायरस ने बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन्स बना दी जिन प्रोटीन्स का कुछ अलग तरीके का टारगेट हो रहा है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वो उसकी वजह से भी बॉडी में सिम्टम डेवलप हो सकती है। मतलब वायरस के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के असर से भी बॉडी में पैथोलॉजिक कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, और वायरस के रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है उससे भी पैथोलॉजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो वही लिखा है कि वायरस के इन्फेक्शन के बाद किन दो तरीकों से बॉडी में सिम्टम डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देखिए, वायरस कैन सप्रेस होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बाय अ वैरायटी ऑफ वेज। अब वायरस क्या करता है, होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है या दबा देता है डिफरेंट वेज से। ठीक है, दिस इज स्टडी। अब ये पता कैसे चला कि वो जो वायरस है वो ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को दबा देता है या सप्रेस कर देता है या इनहिबिट कर देता है, स्टडी की गई होगी ना कहीं ना कहीं। कौन सी स्टडी की गई होगी, जीनोमिक्स और फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट्स ऑफ वायरस। जो वायरल प्रोटीन्स हैं उनकी जीनोमिक और फंक्शनल एनालिसिस जब की गई तब पाया गया कि ये प्रोटीन तो ये चीज़ कॉज करते हैं बॉडी में, मतलब जो पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज हो रही है उसकी वजह वायरस है। ये सब हमें कहाँ पता चला, जब जीनोमिक और फंक्शनल एनालिसिस हुई। ठीक है, तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमने एक डायग्राम के से इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये कोई इंसान है, ठीक है, ये होस्ट है हमारा, हम चाहे इसको होस्ट लिख भी सकते हैं कि ये होस्ट है। होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, ये वायरस है। ठीक है, वायरस होस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और होस्ट से क्या, होस्ट में क्या है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो रेड एरो लगाए हैं, इससे वो वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, स्प्लीन, ये इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप मतलब मत आओ तुम, तब भी देखिए वायरस आगे बढ़ा चला आ रहा है। इसको एरो देखिए, हमने स्टॉप के आगे एरो लगा दिया, मतलब वायरस बढ़ा चला आ रहा है। देखिए, बढ़ा चला आ रहा है। क्यों बढ़ा चला आ रहा है, काउंटर अटैक
कर दिया इसने, मतलब हम तो उस पर अटैक कर ही रहे थे कि तुम मत आओ बस अब रुक जाओ, लेकिन ये तब भी वो सारी जो भी इसमें बंदिशें हैं सब तोड़ के क्या काउंटर अटैक कर रहा है कि नहीं हम तो आएंगे ठीक है क्योंकि हमें रहना है, मतलब हमारी जो भी कोशिशें थी सबको नाकाम करता हुआ वो आ रहा है, ये काउंटर अटैक होता है। तो वही लिखा है कि एरो 1, 2, 3 रिप्रेजेंट वायरल काउंटर अटैक, एरो 1 ये वाला, ये 2 ये 3, क्योंकि इसमें हमने एरो इस डायरेक्शन में बनाई है, वायरस चला आ रहा है ठीक है, तो ये काउंटर अटैक है। अब देखिए, सम वायरस में म्यूटेट और चेंज एंटीजेनिक साइट ऑन देयर सरफेस प्रोटीन, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो उनके सरफेस पर पाई जाने वाली प्रोटीन को चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं तो उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी पहचान ही नहीं पाएगी। हमको पता था कि रेबीज का वायरस आ रहा है उसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी होगी या इस तरह का सरफेस प्रॉपर्टी होगी, लेकिन पता चला रेबीज वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे, तो घुसा चलाएगा कोई रोकेगा नहीं उसको। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस जो अपनी प्रोटीन को चेंज कर लेता है, इसमें आप HIV भी लिख सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते क्या है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस प्रोटीन की एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं या डाउन रेगुलेट कर देते हैं ठीक है, जब सरफेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा उन्हीं से उनकी पहचान थी तो भी पहचान में नहीं आएंगे, चले आएंगे अंदर ठीक है, जैसे हर्पीज वायरस। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर देते हैं, उनके फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, जैसे HIV इफेक्ट, TH सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स का फ्यूज़न करा देते हैं, अब 2 या 4 सेल फ्यूज़ हो जाएंगी मान लीजिए आपस में, जो एक सेल यहाँ थी एक सेल यहाँ थी, यहाँ पे इन्फेक्शन फैला, यहाँ से निकल के सेल को यहाँ तक पहुँच, यहाँ से निकल के वायरस को दूसरी सेल पहुँचना पड़ेगा, तो ये कठिन प्रोसेस है ना, इससे अच्छा सारे सेल का सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर दो, सब एक ही सेल बना दो, तो वायरस आराम से ट्रेवल करता रहेगा, उसको वापस ब्लड में नहीं आना पड़ेगा ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए उसको ब्लड में नहीं आना पड़ेगा ना, वो एक सेल से दूसरे सेल में अपने आराम से ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सब फ्यूज हो चुकी हैं सारे आपस में एक दूसरी सेल्स की ठीक है। तो इस तरीके का कौन करता है, एग्जाम्पल है मीजल्स वायरस एंड साइटोमिगैलो वायरस ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो नर्व सेल पे अटैक करते हैं, और नर्व सेल और न्यूरॉन्स में तो हम जानते हैं कि MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, जैसे हर्पीज वायरस, और जब MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो वो एंटीजेनिक पेप्टाइड को अपने सरफेस पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगी, और अंदर ही अंदर वायरस से घुटती रहेंगी, उनको कोई मारेगा भी नहीं आ करके क्योंकि MHC पे प्रेजेंट नहीं कर रही है तो टी सेल आएंगी नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से भी हर्पीस वायरस नर्व सेल पे अटैक करता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो MHC मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं, जैसे एडिनो वायरस, मतलब MHC नहीं ना रहेगा, बांस ना बचेगी, बांसुरी ना होगा, MHC ना होगा वायरस का प्रेजेंटेशन, तो उसमें एडिनो वायरस आ जाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइंस के साथ बाइंड कर जाते हैं, इंटरफेरॉन और साइटोकाइन ही प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में अलार्मिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह, लेकिन वो उसी को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे पॉक्स वायरस जो हो गए हमारे ठीक है। इसके बाद कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो CTL रिस्पॉन्स मतलब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स को रेजिस्ट करते हैं और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं ठीक है, मतलब एपोप्टोसिस इंड्यूस करा देते हैं वायरस टी सेल्स में, अब टी सेल में एपोप्टोसिस इंड्यूस करा देंगे तो मर जाएंगी तो क्या ही लड़ पाएंगी बॉडी के डिफेंस में ठीक है, जैसे HIV। और HIV कैसे करता है, HIV करता क्या है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में जितनी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं ठीक है, सब पे एक फास्ट रिसेप्टर पाया जाता है, फास्ट रिसेप्टर सब पे पाया जाता है जितनी भी बॉडी की सेल्स, ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ सेल्स पे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस सेल की डेथ होनी है, ये टारगेट सेल की डेथ होनी है, तो जो टी सेल्स होती हैं उसमें एक फास्ट एल लीगेंड पाया जाता है, फास्ट एल, क्योंकि मान लीजिए इस सेल को मारना है तो ये फास्ट एल लीगेंड जो है ये फास्ट रिसेप्टर में आके बाइंड होगा और इस टारगेट सेल की किलिंग हो जाएगी। लेकिन देखिए इनकी दुष्टता देखिए, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल में जो वायरस पार्टिकल होते हैं वो भी उस सेल के सरफेस पे वही लीगेंड जैसे टी सेल के पास थे एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब हुआ क्या इससे, अब टी सेल के पास तो फास्ट रिसेप्टर भी होंगे, फास्ट लीगेंड भी होंगे, तो इन्होंने भी अपने पास लीगेंड एक्सप्रेस कर लिए, तो वो लीगेंड टी सेल के फास्ट रिसेप्टर से बाइंड होकर उसी को ख़त्म कर देते हैं। मतलब जो काम टी सेल बॉडी की दूसरी सेल को किल करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ कर रही थी, उसी मैकेनिज्म से वायरस इन्फेक्टेड सेल में जो वायरस होते हैं वो टी सेल को ही ख़त्म कर देते हैं, सेम उसी मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म से टी सेल इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म कर रही थी।
उल्टा वार कर देते हैं और यही है काउंटर अटैक। ठीक है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो एग्जाम्पल मेनली आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पॉइंट्स मैंने सिंपल ही रखे हैं कि बहुत आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।